हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द मैथ्स पार्ट ऑफ सी क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट डे दिसंबर 2019 पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा कि सी एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत ही इजी है आप इजीली इसमें 115 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं इसी के साथ सबसे ज़्यादा जरूरी इसमें क्या होता है कि आपको जो सैंपल पेपर्स हैं एटलीस्ट जो लास्ट टेन ईयर्स हैं उनके पेपर्स की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है इतना करने से ही आपका एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू प्रोवाइड यू द सोल्यूशन ऑफ मैथ पार्ट एवरी वीक सो अब हम बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आपको इसका पैटर्न ऑलरेडी पता होगा थर्टी क्वेश्चन इसमें पैडागॉजी रहेगा देन थर्टी प्लस थर्टी मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड देन लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू सिलेबस आपको ऑलरेडी पता है स्टूडेंट्स सो so, हम यहां पर जो मैथमेटिक्स के थर्टी क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप कोई कंपिटेट एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं तो आप कोशिश करिए आप जल्दी से जल्दी जितना कम टाइम हो उतने टाइम में उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें मीन जिस क्वेश्चन में अगर शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर पाए वहां पे आप शॉर्ट ट्रिक का यूज जरूर करें बिकॉज कम्पिटेटिव एग्जाम्स में टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है ठीक है सो इन सारे क्वेश्चन में अगर कोई ट्रिक यूज होगी तो मैं वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा अब आप स्टार्ट करते हैं थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन द इंटीजर्स वन टू वन हंड्रेड तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक टर्म यूज हुई ट्विन प्राइम्स सो ट्विन प्राइम्स का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वॉट आर ट्विन प्राइम्स सो जैसे नाम से पता चल रहा है हमें ट्विन प्राइम्स का मतलब होगा कि दो प्राइम नंबर हैं और वो दो प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर होंगे जिनके बीच का डिफरेंस दो होगा तो so, स्टूडेंट्स ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे बिटवीन वन टू वन हंड्रेड जिनके बीच में डिफरेंस टू होगा तो so, सो सबसे पहला जो ट्विन प्राइम्स होगा वो होगा थ्री एंड फाइव सो इसके बाद में जो आप देखेंगे तो आएगा फाइव सेवन देन सेवन नाइन नहीं होगा बिकॉज नाइन इज नॉट अ प्राइम नंबर देन आपका रहेगा स्टूडेंट्स इलेवन थर्टीन एंड दैन सेवेंटी नाइनटीन एंड दैन ट्वेंटी नाइन सो ऐसे स्टूडेंट्स आपको देखने होंगे कि कौन कौन से नंबर्स ट्विन प्राइम से हैं और कौन से नंबर नहीं है इसके बाद में आपको जो नंबर रहेगा ट्विन प्राइम वो रहेगा 41, 43 एंड देन 59, 61 एंड देन 71 एंड 73 बस इसके बाद में ऐसा कोई नंबर नहीं है 100 तक जो ट्विन प्राइम्स हो तो ये कितने नंबर्स होंगे देख लेते हैं हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट सो so, इसका जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट वो रहेगा फोर्थ आपको स्टूडेंट्स वहां भी इतना ही टाइम लगना चाहिए तभी आप सारा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता है तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट मत करिए जब आप एक बार पूरा पेपर कवर कर ले तो सेकंड राउंड so, में उस क्वेश्चन को देखिए ठीक है सो इस क्वेश्चन में मेन था आपका कॉन्सेप्ट कि ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं सो ट्विन प्राइम्स इज द पेयर ऑफ दाइम नंबर डिफरेंस इज टू ओके थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट नाउ कम टू अवर थर्टी सेकेंड क्वेश्चन इफ टू वन वन सिक्स एट इज इक्वल्स टू टू रेज टू दावर ए इंटू थ्री रेज पावर बी इंटू सेवन रेज पावर सी वेयर ए बी एंड सी आर नेचुरल नंबर्स देन वाट इज द वैल्यू ऑफ फोर ए माइनस फाइव प्लस सी जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी लेवल के हैं सो so, इस क्वेश्चन में क्या कहा कि टू वन वन सिक्स एट एक ऐसा नंबर है जिसके हमें फैक्टर्स बनाने और वहाँ पर फैक्टर्स में कौन से नंबर की पावर कितनी होगी स्टूडेंट्स ये हमें फाइंड आउट करना है और ए बी सी की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट कर ली तो हम इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इट मीन्स कि हमें टू वन वन सिक्स एट को फैक्टराइज करना होगा सो टू वन वन सिक्स एट को हम फैक्टराइज करके देख लेते हैं कितना आएगा है देखिए अब देखिए यहां पर हम थोड़ी सी ट्रिक यूज कर सकते हैं क्या है वो ट्रिक देखिए टू थ्री एंड सेवन ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर सो सबसे पहले हम इस नंबर को सेवन से डिवाइड करेंगे सेवन से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा थ्री जीरो टू एंड फोर सो so दैट कि ये नंबर छोटा हो जाए और उससे हमारी जो कैलकुलेशन होगी इजी होगी डिवीज़न इजी होगा अब दोबारा इसको हम सेवन से अगर डिवाइड करते तो देखते हैं अगर सेवन से डिवाइड होता है या नहीं सेवन फोर जार ट्वेंटी एट दैन टू देन सेवन थ्री जर ट्वेंटी वन एंड देन सेवन टू जार फोरटीन येस इट इज डिविजल बाय सेवन अब की बार अगर आप सेवन से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा ठीक है इसके बाद में आपका यहाँ पे थ्री है इसका फैक्टर सो so, ये नंबर थ्री से भी डिविजिबल होगा थ्री से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा थ्री वन सर थ्री then 4 and then again 4 again it is divisible by 3 48 again it is divisible by 3 16 अब स्टूडेंट्स यहां पर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 then 4 then 2 and then 2 तो यहां पर जब इसको लिखेंगे फैक्टराइज फॉर्म में तो ये आएगा 2 raised power 4 3 raised power 3 and 7 raised power 2 ठीक है तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देखेंगे तो 2 raised power a था and 3 raised power b था एंड सेवन रेज पावर सी था सो so, ए की वैल्यू आपकी फोर आई बी की वैल्यू आपकी थ्री एंड सी की वैल्यू टू सो ए बी सी की जो वैल्यू आई है इसको हम रखेंगे इसमें और इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे देखिए ए की वैल्यू हमारी आई है फोर बी की आई थ्री एंड सी की टू सो फोर फोर ज़ार सिक्सटीन फाइव थ्री हज़ार फिफ्टीन एंड प्लस टू तो कितना आएगा आपका सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन वन वन प्लस टू थ्री सो थ्री इज करेक्ट आंसर फोर्थ ओके कम टू और थर्टी थर्ड क्वेश्चन ट एक्स बी द लिस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई एट ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी इस क्वेश्चन में क्या कहो स्टूडेंट्स पहले हम वो समझते हैं कि x एक ऐसा नंबर है जिसको हम अगर डिवाइड करते इन सारे नंबर से तो रिमाइंडर हर एक केस में कितना आता है फाइव तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जितने भी नंबर दिए हुए होंगे इन सभी का हम एलसी फाइंड आउट करेंगे और उस एल में वो जो रिमाइंडर आया तो उस नंबर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स नंबर और अगर एक्स नंबर हमारे पास आ गया तो हम इजीली उसकी जो डिजिट से उसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो यहाँ पे नंबर्स गिवन है उनका एल फाइंड आउट कर लेते हैं सो एट ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी एट एंड थर्टी फाइव तो इनका जब एलसीयम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स देख लेते हैं सो so इनको मल्टीप्लाई करेंगे जो मल्टीप्लाई आएगा वही आएगा हमारा एलसीम टू टू जर फोर फोर फाइव जार ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन जर टू एटी एंड टू एटी इंटू थ्री एट फोर्टी अब देखिए ये आए स्टूडेंट्स एट फोर्टी ठीक है बट यहां पर क्या होगा कि, कि जब इस नंबर को हम इन नंबर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमारा फाइव आता है सो so, अब जो एल सी एम आई इसमें हम फाइव ऐड कर देंगे तो एट फोर्टी फाइव होगा और यही वो नंबर होगा स्टूडेंट जिसको अगर हम इन नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हर एक केस में फाइव आएगा ठीक है और अब हमें पूछा कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स तो इसके डिजिट्स का सम क्या होगा एट प्लस फोर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस फाइव सेवेंटीन सो ऑप्शन फोर इज करेक्ट सेवनटीन इज करेक्ट आंसर अब देखिए स्टूडेंट्स जब भी आप कोई ऐसा क्वेश्चन करते तो आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए उससे आपके दो फायदे होंगे एक तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे सेकंड आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा अगर आपका क्रॉस वेरिफिकेशन में सही आंसर आता है तो so, इस क्वेश्चन को हम क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे देखिए 845 को हम 8 से एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं तब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए वन जीरो एंड फाइव वन जीरो फाइव रिमाइंडर जो बचेगा वो रहेगा ठीक है यही हमारा था इसमें क्वेश्चन में कहा हुआ था अब ट्वेल्थ से और हम इसको डिवाइड करके देख रहे थे तो, सो जब ट्वेल्थ से डिवाइड करेंगे कितना आएगा सेवन जीरो और फिर दोबारा स्टूडेंट्स यहाँ पर जो रिमाइंडर रहेगा वो रहेगा फाइव तो इन नंबर से जब आप इसको डिवाइड करके देख रहे हैं तो रिमाइंडर हर एक केस में फाइव आ रहा है इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन सही है मतलब हमने आंसर सही फाइंड आउट किया है ठीक है सो जब वहां पर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिए इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बनेगा

कि अगर दोनों नंबर्स कम ऐसे करेंगे डिवीजन तो वो इक्वल आएगा ठीक है ये रेशियो इक्वल रहेगा सो so, स्टूडेंट्स इसका जो मेथड रहेगा वो क्या रहेगा कि 50 माइनस एक्स करेंगे सभी नंबर्स में से अगर x माइनस कर देंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा सो so, जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वही रहेगा इसका आंसर बट ये वहाँ पर लेंथी हो जाएगा तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करना है ऑप्शन की हेल्प से यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 14, 17, 19, 23 इनका हमें यहाँ पे हेल्प लेनी है इनकी हेल्प कैसे लेंगे स्टूडेंट्स 50 में से और इन सारे नंबर्स में से अगर हम 14 माइनस करेंगे तब देखते हैं कि क्या प्रपोर्सन में आते हैं या नहीं नंबर्स ये तो इसमें जब 14 सब्टेक्ट करके लिखेंगे देखिए डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा हमारा 36 और डिनोमिनेटर 61 में से जब 14 सब्टेक्ट करेंगे तो कितना आएगा 47 और इस साइड में कितना आएगा स्टूडेंट्स ये आएगा आपका सेवेंटी और यहाँ पर आपका आएगा वन में से वन जीरो थ्री सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये परपोर्सन में नहीं इसका मतलब कि फोर्टीन ऑप्शन नहीं होगा ठीक है अब आप सेवेंटीन के लिए चेक करेंगे अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा चेक करने में अब फिफ्टी में से जब जल्दी से हम माइनस करके लिखेंगे यहां पे तो कितना आएगा थर्टी थ्री डिवाइडेड बाय जब सेवेंटीन इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा फोर्टी फोर और राइट साइड में जब नाइन्टी टू में से हम सेवेंटीन माइनस करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स देखिए सेवेंटीन अगर आपको माइनस करना है नाइन्टी टू में से आप ट्वेंटी माइनस कर लीजिए डायरेक्ट तो सेवनटी टू होगा और सेवेंटी टू क्योंकि यहाँ पे सेवेंटीन था तो इसमें थ्री एड कर दीजिए मीनस सेवेंटी फाइव आपका यहाँ पे आ जाएगा देन वन वन सेवन उसमें सेवनटीन माइनस करेंगे तो वन हंड्रेड रहेगा अब अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये होगा स्टूडेंट्स इलेवन से डिविजिबल और ये होगा ट्वेंटी फाइव से डिविजिबल सो so, क्या ये रेशियो इक्वल आ रहा है यस yes, ये रेशियो इक्वल इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेवनटीन ऑप्शन टू सो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व इट बाई यूजिंग सिंपल ट्रिक आप अगर इस मेथड से जाएंगे तो आपका काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा इस क्वेश्चन में सो so आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे ठीक है तो काफी क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से ईजिली सॉल्व कर पाएंगे सो so, ये था थर्टी फोर्थ क्वेश्चन नाउ कम टू थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन रुपीज इज डिवाइडेड इन ए बी एंड सी सच दैट फोर टाइम्स ऑफ ए सिक्स टाइम्स ऑफ बी एंड नाइन टाइम्स ऑफ सी आर इक्वल वट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि जो रिलेशन की वो लिख लेंगे फोर टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू सिक्स टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू नाइन टाइम्स ऑफ सी हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी मीन्स ए माइनस सी तो मतलब हमें अगर रफली देखें तो हमें ए बी सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी वहीं से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इनकी डिफरेंस की ठीक है ए और सी का डिफरेंस और स्टूडेंट्स हमें क्या बताया कि ए बी और सी इन, इन तीनों का जो शेयर है उसका सम है वन सेवन वन जीरो रुपीज अब देखिए कि बात आती है कि हम इनका शेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स शेयर हम फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास रिलेशन गिवन है ये इस रिलेशन से हम फाइंड आउट करेंगे इनका शेयर तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि इन तीनों का सम कितना है वन सेवन वन जीरो रुपीज अब देखो क्योंकि हमें ए और सी की वैल्यू चाहिए तो आप इस कंप्लीट को ए बी सी को आप ए में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर सी में कन्वर्ट कर लीजिए तो हम यहां पर ए में कन्वर्ट कर लेते तो ए एज इट इज रहेगा बी को हम ए की टर्म में कैसे लिखेंगे देखिए इस रिलेशन से लिखेंगे स्टूडेंट्स फोर ए इज इक्वल टू सिक्स बी है तो आपको वहां पर अलग लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आप बी 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 इज इक्वल टू फोर ए बाई सिक्स लिख लेंगे ठीक है So, यहाँ पर क्या होगा आपका डायरेक्ट फोर ए बाई सिक्स प्लस सी तो इन दोनों को जब आप रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो सी किसकेोर ए बाई नाइन इज इक्वल्स टू वन सेवन अब आपको इसको सोल्व करना स्टूडेंट्स इसको आपको वहां पे लेंदी तरीके से नहीं करना है जितना शॉर्ट हो उतने शॉर्ट से आपको सोल्व करना है अब क्योंकि हमें यहाँ पे एल्शियम लेना होगा तो एल्शियम तो कैसे लेंगे हमें इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है ठीक है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इनका होगा एटीन सो एटीन और यहाँ पर आपका होगा एटीन ए देन प्लस सिक्स थ्री हजार एटीन एंड थ्री इंटू फोर ए देन प्लस नाइन टू हजार एटीन एंड फोर टू हजार एट ए इज इक्वल्स टू वन सेवन वन ज़ीरो अब यहाँ से जो ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वन सेवन वन जीरो ये जो एटीन है ये आ जाएगा इसके मल्टीप्लीकेशन में और स्टूडेंट्स यहाँ पर इनका सम करने के बाद में जो इसका कोफ़िशियंट रहेगा ए का वो करेगा इसको डिवाइड तो उनका सम करने के बाद आप कहेगा थर्टी एट अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये नाइन्टीन से डिविजिबल होगा सो नाइन्टीन टू सार थर्टी एट एंड नाइन्टी नाइन सार वन सेवेंटी वन सो ये आएगा नाइन्टी और यहाँ पर इसको जब सोल्व करेंगे तो नाइन सो so नाइन नाइन सार एटी 81. वन so सो एट हंड्रेड टेन रुपीज़ होगा ए का शेयर ठीक है अब स्टूडेंट्स आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि हमें यहाँ पे ए और सी का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है सो so ए और सी का जो यहाँ पे रिलेशन था उसको ले आइए फोर ए इज इक्वल्स टू नाइन सी सो सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है सी इज इक्वल्स टू फोर ए ए की वैल्यू आपके एट टेन डिवाइडेड बाय नाइन सो नाइन नाइन सर एटी वन सो नाइनटी इंटू फोर थ्री सिक्सटी ठीक है अब हमें एट टेन और थ्री सिक्सटी का डिफरेंस आउट करना है ए माइनस सी सो ए माइनस सी इज इक्वल टू एट माइनस थ्री सिक्सटी स्टूडेंट्स वहां पर लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप वहां पर डायरेक्ट सब्टशन करेंगे क्योंकि वहाँ पे आपके लिए टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास ऐसे लिखने का टाइम नहीं होगा ठीक है डायरेक्ट सब्टन करेंगे सो so स्टूडेंट्स ये सब्टशन कैसे करेंगे देखिए यहाँ से 810 में से डायरेक्ट आप 400 माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा 410 और क्योंकि ये 40 कम है तो इसमें आप 40 ऐड कर दीजिए मीनस फोर आपका रहेगा आंसर ठीक है सो फोर फिफ्टी मीन्स सेकंड आपका जो ऑप्शन रहेगा ये रहेगा बिल्कुल करेक्ट थर्टी ये एडिशन और सब्टशन की जो सबसे शॉर्ट ट्रिक और सबसे सबसेजी ट्रिक है वो आपको बता रहा हूँ फोर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ थर्टी क्वेश्चन और स्टूडेंट्स ये नहीं कि आपका जो सी टेट में है उसी में आएंगे क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके सी टेट एच टेट और के वी एस का जो पेपर होता है उसमें और जितने भी स्टूडेंट्स आपके डी एस एस भी हो रीट हो उन सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आएंगे यही सेम लेवल के क्वेश्चन रहते हैं आप अगर एस 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 सी कलर्क में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी, भी इस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सो so, स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए आप आप थर्टी सिक्स क्वेश्चन देखिए द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन बास्केट्स ए एंड बी आर इन द रिशो सेवन इज टू नाइन इफ सिक्स फ्रूट्स आर टेकन आउट फ्रॉम ए एंड पुट इट इन बी देन द रेशियो बिकम्स वन इज टू थ्री द टोटल नंबर ऑफ़ फ्रूट्स इन ए एंड बी इज सो इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो बास्केट ए और बी है उसका रेशियो है फ्रूट्स का सेवन इज टू नाइन ठीक है अब क्या करते हैं कि जो ए बास्केट है इसमें से सिक्स फ्रूट्स निकाले जाते हैं और वही सिक्स फ्रूट बी बास्केट में डाल देते हैं तब उनका रेशियो हो जाता है वन बाई थ्री तो हमें बताने की टोटल नंबर ऑफ़ फ्रूट्स ए और बी में कितने हैं सो मान लीजिए स्टूडेंट्स के सेवन एक्स और नाइन है फ्रूट्स और सेवन एक्स में से निकाले जाते हैं सिक्स फ्रूट और बी में वो ऐड कर दिए जाते हैं ठीक है प्लस सिक्स तो उनका रिश्यू कितना हो जाता है so, इसको अगर हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स की वैल्यू और एक्स की वैल्यू अगर आई तो एक्स मतलब जो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ए बास्केट और नाइन एक्स का मतलब होगा कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन बी बास्केट सो ये एकदम सिंपल सी इक्वेशन है इसको सोल्व करने में आपको हार्डली थर्टी सेकेंड्स लगेंगे देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ट्वेंटी वन एक्स माइनस एटीन इज इक्वल्स टू नाइन एक्स प्लस सिक्स अब नाइन एक्स जब माइनस करेंगे ट्वेंटी वन में से तो कितना आएगा ट्वेल्व एक्स इज इक्वल्स टू ये माइनस एटी इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा तो सिक्स प्लस एटीन ट्वेंटी फोर मीन्स एक्स की वैल्यू आपके आ जाएगी टू ट्वेंटी फोर बाई ट्वेल्व होगा तो एक्स की वैल्यू आएगी टू और सेवन एक्स स्टूडेंट्स बास्केट ए में सो सेवन टू हजार फोर्टीन और बास्केट बी में नाइन एक्स सो नाइन टू हजार एटीन सो एटीन प्लस फोर्टीन कितना होगा थर्टी टू ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके सो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व थर्टी सिक्स क्वेश्चन नाउ कम टू थर्टी सेवंथ क्वेश्चन स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ इसका यूज करके आप इन क्वेश्चन को एग्जाम टाइम में भी ईजिली सॉल्व कर पाएंगे थर्टी सेवेंथ क्वेश्चन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल ए डी बी आर ऑन द कॉमन बेस ए बी एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी डी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी सी बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी दैन विच ओव द फॉलोइंग इज ट्रू स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा हुआ है कि दो ट्राइंगल्स है और उनका जो बेस है वो बेस सेम है ए बी ठीक है और एक ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल है ए डी बी एंड डी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी सो एक मान लीजिए यहाँ पर है तो डी ए ये पॉइंट आपका डी ए मानिए एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू ए बी और जो सी बी है सी बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी ये परपेंडिकुलर है और ए बी सी ट्रेंगल मतलब ये ए और सी को ज्वाइन करना होगा और यहाँ पर बी और डी को ज्वाइन करना होगा तो ये दो ट्रैंगल्स हैं स्टूडेंट्स और हमें यहाँ पे कहा होगा ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर एंड ए सी इज इक्वल्स टू बी डी ये जो साइड है इसके इक्वल होगा बी डी के तो हमें बताने की कौन सी ट्रेंगल कौन सी ट्रेंगल के कॉन्ग्रोवेंट होगी तो स्टूडेंट्स कॉन्ग्रोवेंट लिखते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल लिखा है या नहीं कोरोस्पोंडिंग पार्ट मतलब जो इक्वल पार्ट है या इक्वल एंगल है वो उसी एंगल के कोरोस्पोंडेंस में लिखा हुआ है या नहीं तो अगर यहां पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स ए बी सी ट्रेंगल में और एक ट्रेंगल हमारी है ए बी डी ट्रेंगल जो ए बी सी ट्रेंगल है इसमें नाइन्टी डिग्री के एंगल कौन सा बी सो बी के कोरोस्पॉेंस में कौन सा एंगल होना चाहिए जो ए बी डी ट्रेंगल में नाइन्टी डिग्री का होगा मतलब वहां पर नाइन्टी डिग्री का एंगल कौन सा है ए ठीक है तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे ए देन उसके बाद आपकी जो साइड है ए बी ए बी इज कॉमन सो यहाँ पर हम लिखेंगे बी ए तो यहाँ भी हमारी आएगी जो साइड ए बी ठीक है और जो थर्ड आपका जो पॉइंट रहा है डी और यहाँ पर जो सी अब यहाँ पे आपको देखना है स्टूडेंट्स कि जो ए सी और बी डी इक्वल दिया हुआ था ये देखिए यहाँ पर ए सी जी को बी डी क्या ये जो कॉन्ग्रुएंस लिखते हैं इसमें फुलफिल कर रहे हैं या नहीं ए सी देखिए ये रहा फर्स्ट और लास्ट लेटर और बी डी फर्स्ट और लास्ट ईयर रहे मीन्स कोरस्पोंडेंस में है कोरोस्पॉिंग साइड्स जो हैं इक्वल साइड्स वो सही हमने लिखी हैं तो ये होगा इसका कॉन्ग्रोवेंसी क्राइटेरिया अब इनमें से देख लीजिए कौन सा सही होगा तो यहाँ देखिए जो ए बी सी ट्रेंगल है ए बी सी ट्रेंगल कांग्रोन कौन सा बी एडी ये देखिए बी एडी सो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपको बस ध्यान देना है कि कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स है हमने सही तरीके से लिखा है नाउ कम टू थर्टी एट क्वेश्चन द साइड्स ऑफ फोर ट्रेंगल्स आर गिवन बिलो विच ऑफ देम फॉर्म्स अ राइट ट्रेंगल सो यहाँ पर कुछ ट्रेंगल्स की साइड्स गिवन है सो so, हमें बताना है कि ये जो साइड्स हैं इनमें से कौन कौन सी साइड्स एक राइट एंगल ट्रेंगल फॉर्म करती हैं सो so, वो हम कैसे बता सकते हैं स्टूडेंट्स देखिए कोई भी अगर राइट एंगल ट्रेंगल है तो उसमें पाइथागोरस प्रोपर्टी सेटिसफाई करेगी और पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है कि हाइपोटोनिस का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑफ अदर टू साइड्स और हाइपोटोनिस कौन सी साइड होती है द लॉन्गेस्ट साइड सो इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होगी ट्वेंटी फोर इसमें है इसमें थर्टी सेवन इसमें सिक्सटी वन इसमें फोर्टी वन इनका स्क्यर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्र ऑफ दिज टू साइड्स सो so, ऐसे हमें देखना होगा हर एक पार्ट में देखिए ट्वेंटी फोर का जो स्क्वेयर रहेगा वो रहेगा आपका फाइव सेवेंटी सिक्स एंड जो ट्वेंटी टू है इसका स्क्वेयर आपका रहता है फोर एटी फोर जो छोटे नंबर है इनका तो आप स्क्वेयर यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं ट्वेंटी का होता फोर हंड्रेड सो इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं हो रहा मतलब ये एक राइट एंगल ट्रैंगल की साइड नहीं होगी तो फर्स्ट आपका ऑप्शन नहीं होगा सेकेंड देखिए फिफ्टीन फिफ्टीन का स्क्वेयर हमें पता है टू टू फाइव होता है देन थर्टी टू थर्टी टू का होता है वन जीरो टू फोर और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो थर्टी सेवन थर्टी सेवन का स्टूडेंट्स अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते तो आप थर्टी सेवन को मल्टीप्लाई करके कर कर देखेंगे और थर्टी सेवन का जो रहेगा स्क्वेयर वो होगा वन थ्री सिक्स नाइन तो इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करके देख लीजिए वन जीरो टू फोर को और टू टू फाइव को सो वन जीरो टू फोर और टू टू फाइव जब आप ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये इसके इक्वल नहीं होगा इसका मतलब कि जो सेकेंड में जो साइड्स गिवन है वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं होंगी अब देखेंगे जो थर्ड पार्ट में दिए हुए वो साइड्स देखिए इलेवन का स्क्वायर हमें पता है कि वन ट्वेंटी वन होता है देन सिक्सटी का जो स्क्वायर होगा सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स और एक जीरो तो उसका हो जाएगा स्टूडेंट्स डबल जीरो इज इक्वल्स टू सिक्सटी वन का स्क्वायर देखते हैं सिक्सटी वन का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स थ्री सेवन टू वन ठीक है आप स्क्वायर करके इसका देख लेंगे अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते तो अब इसका जब आप सम करेंगे तो स्टूडेंट्स थ्री सेवन टू वन इज इक्वल टू थ्री सेवन टू वन यस सो ये जो तो साइड्स रहेंगे इलेवन सिक्सटी सिक्सटी वन दीज आर द साइड ऑफ अ राइट एंगल मीन यहां पर जो थर्ड ऑप्शन ये रहेगा करेक्ट ओके अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्योंकि ऑप्शन में गिवेन दन टू थ्री फोर तो अगर आपका जो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया तो आपको फोर्थ का चेक करने की जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि यहां पर इन ऑप्शन में तो एक ही करेक्ट हो सकता है तो ए करेक्ट का मतलब है कि थर्ड करेक्ट हो गया मतलब फोर्थ तो ऑब्वियसली गलत होगा ठीक है तो फोर्थ मीन्स जो यहाँ पर दी हुई थी नाइनटीन फोर्टी फोर्टी वन इन साइड्स के लिए चेक करना आपके लिए जरूरी नहीं होगा सो so, ये था हमारा थर्टी एट क्वेश्चन थर्टी नाइन क्वेश्चन देखिए द एंगल्स ऑफ ए क्वाडिलेटर आर इन द रेशियो थ्री इज टू फाइव इज टू सेवन इज टू नाइन वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंगल्स ऑफ द क्वाडिलेटर तो स्टूडेंट्स ये है रेशियो एंड वी नो अकॉर्डिंग टू एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाडिलेटर द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉर्डिलेटर इज इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी डिग्री सो अगर हम इनको थ्री एक्स फाइव एक्स सेवन एक्स नाइन एक्स मानते हैं तो उनका सम होगा थ्री सिक्सटी के इक्वल सो so, वहाँ से हम फाइन आउट करेंगे स्टूडेंट्स एक्स uh, की वैल्यू और एक्स की वैल्यू अगर हमने फाइन आउट कर ली तो हमें डिफरेंस किसका फाइन आउट करना है लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट सो लीस्ट होगा थ्री एक्स और ग्रेटेस्ट होगा नाइन एक्स सो इसका डिफरेंस मीन्स सिक्स एक्स की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट कर ली तो हमारा आंसर आ जाएगा आप देखते हैं कि x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे तो फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स एट एक्स एट प्लस सेवन फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस नाइन ट्वेंटी फोर एक्स सो ट्वेंटी फोर एक्स इज टू थ्री सिक्सटी और x की वैल्यू अगर हम आउट करेंगे तो कितना होगा थ्री सिक्सटी बाई ट्वेंटी फोर देन ट्वेंटी फोर वन सर ट्वेंटी फोर रिमाइंडर आपका ट्वेल्व रहेगा ट्वेंटी फोर फाइव सर वन ट्वेंटी देन फिफ्टीन ठीक है तो x की वैल्यू ये आपकी फिफ्टीन और हमें आउट क्या करना था अभी मैंने आपको बताया कि थ्री एक्स ये होगा स्मॉलेस्ट एंगल एंड नाइन एक्स आपका होगा ग्रेटेस्ट एंगल इनका डिफरेंस डिफरेंस मीन्स नाइन एक्स माइनस थ्री एक्स सो ये आपका आएगा सिक्स एक्स एंड एक्स इज इक्वल्स टू फिफ्टीन तो सिक्स एक्स इक्वल होगा फिफ्टीन इंटू सिक्स ऑप्शन फोर ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 40 द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेंगल इज 12 सेंटीमीटर इफ ऑल द थ्री साइड्स हैव लें इन इंटीजर्स देन हाउ मेनी सच डिफरेंट ट्रेंगल्स आर पॉसिबल स्टूडेंट्स काफी इजी क्वेश्चन है अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होगा तो देखिए पेरीमीटरिक ट्रेंगल की 12 सेंटीमीटर है और कहा हुआ है कि उसकी जो साइड्स हैं वो इंटीजर्स इंटीजर्स का मतलब है कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड ट्वेल्व इलेवन ट्वेल्व ठीक है कोई डेसिमल में नहीं है कोई फ्रैक्शन में नहीं है तो आपका जो इंटीजर में है उसी में लेंथ है सो वी आर आस्क टू फाइंड आउट हाउ मेनी सच डिफरेंट ट्रेंगल्स आर पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट विद द डिफरेंट लेंथ सो सबसे पहला तो आप देख लीजिए थ्री फोर एंड फाइव होगा ठीक है इन तीनों का सम आपका ट्वेल्व होना चाहिए सो ट्वेल्व सेंटीमीटर यस स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी ट्रेंगल में दो साइड्स का सम तीसरी साइड से कम नहीं होना चाहिए या फिर उसके इक्वल नहीं होना चाहिए या फिर दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सो so, इन प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रख के हमें बताने कि कौन कौन सी साइड्स पॉसिबल हैं सो so, एक आपकी रहेगी इक्विल ट्रेंगल ऑफ साइड फोर इसकी पैरीमीटर भी आपकी ट्वेल्व रहेगी और हम देखेंगे तो वो आपका रहेगा फाइव फाइव एंड टू तो यहाँ पर भी आप इसकी पेरीमीटर टू रहेगी फाइव सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर एंड टू सेंटीमीटर अगर रहेंगी साइड्स तो भी हमारी ये ट्रेंगल बन जाएगी क्यों बनेगी देखिए कोई भी साइड का sum, कोई भी दो साइड्स का सम देखिए फाइव प्लस फाइव टेन टेन इज ग्रेटर देन इज डिफरेंस देख लेते इज लेस देन टू ठीक है देन एंड इज पेयर बनता है या नहीं वो देख लेते हैं अब स्टूडेंट्स अगर हम कोई भी अगर एक साइड को हम सिक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं तो दूसरी साइड्स को हम कितना मानेंगे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने फोर और टू मान लिया तभी इसकी पैरामीटर ट्वेल्व होने की होगी तो देखिए इन दोनों साइड्स का सम सिक्स की इक्वल होगा मतलब ये साइड्स पॉसिबल नहीं है ठीक है सो स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे ट्राई कर करके देखेंगे तो यहां पर ओनली थ्री ट्रगल्स आर पॉसिबल हुज पैरिमीटर इज टू ट्व एंड द साइड्स हैव लेंथ इन इंटीजर सो इसका ऑप्शन रहेगा आपका सेकेंड थ्री इज करेक्ट ये था आपका क्वेश्चन नंबर नाउ कम टू फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन गोडाउन इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबोइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर फिफ्टी सिक्स मीटर फोर्टी टू मीटर एंड टैन मीटर रिस्पेक्टिवली हाउ मेनी मैक्सिमम क्यूबोइडल बॉक्सिस ईच मेजरिंग टू पॉइंट एट मीटर टू पॉइंट फाइव मीटर इन टू सेवेंटी सेंटीमीटर कैन बी स्टोर्ड इन टू द गोडाउन तो आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है समझ गए होंगे एक गो डाउन है ठीक है ऑफ दिस मेजरमेंट और उसमें हमें इस मेजरमेंट के कुछ बॉक्सेस रखने हैं तो कितने ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्स उसमें रखे जा सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन है तो सिंपल है कि ये जो इसकी वॉल्यूम है इस वॉल्यूम को हम इस वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सिंपली वो आ जाएगा उसकी कैपेसिटी ठीक है कि उसमें वो बॉक्स कितने रखे जा सकते हैं तो सिंपली स्टूडेंट जब क्यूबोइड है तो इसका हम वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एल बी एच सो एल बी एच मीन्स कि फिफ्टी सिक्स इंटू फोर्टी टू इंटू टेन हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि इनकी यूनिट्स सेम होनी चाहिए सभी की ठीक है तो इसकी मीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो इसमें रखने हैं वो भी क्यूबोइडल शेप के ही हैं तो उसकी भी लेंथ आपकी डायरेक्ट इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा सो टू पॉइंट एट इंटू टू पॉइंट फाइव इन टू स्टूडेंट्स यहाँ पर सेवेंटी मतल देना आप क्योंकि सेवेंटी सेंटीमीटर में है सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस इंटू मीटर तब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका रहेगा जीरो पॉइंट सेवन ठीक है अब इसको आप सोल्व कर लीजिए तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए सबसे पहले अगर आपको डेसिमल से प्रॉब्लम है तो इन डेसिमल्स को हटाएंगे और यहाँ पर वन थाउजेंड आपका आ जाएगा ठीक है अब इसको डिवाइड कर लीजिए सेवन वनस आर सेवन सेवन सिक्स आर फोर्टी टू ट्वेंटी एट वन सर ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट टूज आर फिफ्टी सिक्स और यहाँ से ट्वेंटी फाइव वनस ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी फाइव फोर्स आर वन हंड्रेड ये फोर्टी होगा अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए सिक्स टूज आर ट्वेल्व ट्वेल्व टू फोर्टी एट और फोर्टी एट के बाद में डबल जीरो सो ऑप्शन थ्री इज़ करेक्ट ठीक है सो so, ये होगा इसका करेक्ट आंसर थ्री फोर्टी एट हंड्रेड स्टूडेंट ओवल क्वेश्चन आर वेरी इजी अगर आपके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे अभी भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते हैं ये वीडियोज आप देखिए मैं वीकली बेसिस पे ट्राई करूंगा कि आपके लिए लास्ट ईयर्स yes के जो क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करवाऊं उनसे आपके जो बेसिक्स हैं बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे सो क्वेश्चन नंबर 42 देखिए द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 528 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज टू मीटर वट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सो सिंपली स्टूडेंट यहां पर आपसे पूछा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क मतलब फॉर फाइंडिंग आउट दॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यू नीड रेडियस एंड हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंडर हियर वी आर गिवन द हाइट ऑफ दैट सिलेंडर हाइट इज टू मीटर बट वी आर नॉट गिवन द रेडियस वी आर गिवन रेडियस बट नॉट डायरेक्टली देर इज सरफ्रेंस गिवन सरेंस ऑफ दैट सिलेंडर इज फाइव ट्वेंटी out द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर सो इसकी जब आप रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा आपका 528 ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई टू पाई ठीक है स्टूडेंट्स रेडियस को आप एज इट इज रहने दीजिए ओके स्टूडेंट्स अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी आप ऐसे पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपको उसकी यूनिट देख लेनी है यहाँ पर जो सरकमफ्रेंस गिवन थी 528 सेंटीमीटर थी सो so, जो इसकी रेडियस है ये भी सेंटीमीटर में आएगी ठीक है सो इसको जब मीटर में, में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा फाइव पॉइंट टू एट डिवाइड बाई टू पाई मीटर ठीक है meter, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना आएगा पाई इंटू आर स्क्वायर आर स्क्वायर मीन्स फाइव पॉइंट टू एट डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर जिसको हम टू टाइम्स लिखेंगे टू एट डिवाइडेड बाई पाई इंटू एच एच इज टू सॉरी यहाँ पे टू पाई है अब टू से टू कैंसिल आउट होगा पाई से पाई कैंसिल आउट होगा और टू से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा ये टू पॉइंट सिक्स फोर स्टूडेंट्स पाई को रिप्लेस कर देंगे ट्वेंटी टू बाई सेवन से सो टू पॉइंट सिक्स फोर फाइव पॉइंट टू एट डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू बाई सेवन ये सेवन जाएगा न्यूमिनेटर में सो so, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका इंटू सेवन स्टूडेंट्स अब आपको देखिए यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे ट्वेंटी वन सर ट्वेंटी वन और यहाँ पे आप वन पॉइंट टू मत कर देने ये गलती बहुत सारे बच्चे कर देते हैं वन पॉइंट टू वन पॉइंट टू नहीं आएगा सो so, इस गलती को अवॉइड करने के लिए आप क्या करेंगे कि ये जो डेसिमल है इस डेसिमल को पहले हम यहाँ पे हटा के और फोर जीरोज यहाँ पे पुट कर लेंगे ठीक है ये जीरोज हम नीचे लिख लेते हैं अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो ये आपका आएगा ट्वेल्व और अब आपको ट्वेल्व सेवन सार एटी फोर सो एटी सेवन इंटू फाइव ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टेन थाउजेंड अब आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई अगर नहीं करना चाहते हो, तो फाइव ट्वेंटी एट को पहले हम एटी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उस और फिर 528 को हम फोर से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे ठीक है बट इस केस में वो भी इजी नहीं होगा सो so आप डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उससे ये फाइंड आउट कर लेंगे और ये आपका आएगा स्टूडेंट्स फोर फोर थ्री फाइव टू डिवाइडेड बाय टेन थाउजेंड अब आप यहाँ पे फोर डिजिट्स के बाद में डेसिमल प्लेस कर देंगे सो फोर पॉइंट फोर थ्री फाइव टू मीटर क्यूब विल बी द करेक्ट आंसर सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट सो कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लेंदे होते हैं और इन क्वेश्चंस की कोई शॉर्टिक नहीं होगी आपको कैलकुलेशंस करनी होंगी सो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व दिस फोर्टी सेकेंड क्वेश्चन फोर्टी थर्ड क्वेश्चन देखिए द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज टू टू सेवन पॉइंट टू सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द अपोजिट वर्टिस डायगनल आर सेवन पॉइंट टू सेंटीमीटर एंड एट पॉइंट एट सेंटीमीटर वाट इज द लेंथ ऑफ द डायगनल सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा बाकी अगर आपके एग्जाम में अगर आता है ये क्वेश्चन तो आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है ये मान लीजिए आपके एक क्वारडिलेटर है ए बी सी डी एंड बी डी इज इट्स डायगनल और आपके पास दीवाई इसका एरिया ठीक है टू टू सेवन पॉइंट टू सेंटीमीटर स्क्वेर एंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टिस टू ए डायगनल सो ये मान लीजिए आप ए पी और यहाँ पे मानिए आप सी क्यू इनकी लेंथ आपकी दी हुई है सेवन पॉइंट टू एंड एट पॉइंट एट सेंटीमीटर

और ये जो फॉर्मूला है ये स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रेंगल से ही आया अगर हम ए बी का एरिया ऑफ नोट करेंगे तो क्या होता है हाफ इंटू ए पी परपेंडिकुलर बाई बेस बेस है बी डी और फिर प्लस क्या होगा हाफ इंटू क्यू सी जो इस साइड वाली ट्राइंगल इसका परपेंडिकुलर और इंटू बेस पी डी और यहाँ से जब हाफ और बी डी कॉमन निकालेंगे तो आपके पास अंदर यही बचेगा ए पी प्लस क्यू सी सो इस फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पर ये सोल्व करेंगे देखिए स्टूडेंट्स ए पी प्लस क्यू सी क्या होगा सेवन पॉइंट टू प्लस एट पॉइंट एट कितना होगा नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन सो हाफ इंटू जब सिक्सटीन करेंगे तो यहाँ पे एट आ जाएगा सो एट इंटू बी डी इज इक्वल्स टू क्या है इसका एरिया टू टू सेवन पॉइंट टू 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 सेवन पॉइंट टू सो बी डी इज इक्वल्स टू 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 सेवन पॉइंट टू डिवाइडेड बाई एट इसको आप सोल्व कर लीजिए एट टू 16 सिक्सटीन रिमाइंडर आपका रहेगा सिक्स देन एट एट हज़ार सिक्सटी फोर रिमाइंडर आपका रहेगा थ्री एंड देन एट फोर हज़ार थर्टी टू सेंटीमीटर सो दिस इज द लेंथ ऑफ डायगनल सो यहां पर 28.4 सेंटीमीटर बी ऑप्शन आपका रहेगा करेक्ट ठीक है सो so, ये तो हमारा फोर्टी थर्ड क्वेश्चन अब स्टूडेंट्स वहां पे अगर आप ये समझ नहीं पाते डायरेक्ट कि हमारा ये फॉर्मूला बनेगा ये हम अप्लाई करेंगे तो आप वहां पे डायग्राम बना के देखेंगे अदरवाइज आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और सिंपली दो स्टेप में इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे ठीक है नाउ कम टू फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन इफ़ फाइव इंटू थ्री एक्स प्लस फोर माइनस एट इंटू सिक्स एक्स प्लस सेवन इज इक्वस टू नाइन एक्स माइनस एट देन वट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सक्वेर माइनस टू एक्स प्लस वन तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइन आउट करनी है और एक्स की फाइनआउट करने के बाद इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइनआउट करनी है सो so, एक्स की वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइनआउट करेंगे लीनर इक्वेशन आपकी है ये जब मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो फिफ्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी माइनस फोर्टी एट एक्स माइनस फिफ्टी सिक्स इज इक्वस टू नाइन एक्स माइनस एट लाइक like टर्म्स को ऐड करिए तो फिफ्टीन एक्स माइनस फोर्टी एट एक्स माइनस थर्टी थ्री एक्स होगा ठीक है एंड माइनस थर्टी सिक्स इज इक्वल्स टू नाइन एक्स माइनस एट सो थर्टी थ्री एक्स को हम इस सेट में ले आएंगे स्टूडेंट्स कितना होगा आपका नाइन एक्स ऑलरेडी यहाँ पे प्लस नाइन एक्स है और थर्टी थ्री ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा फोर्टी टू एक्स सो फोर्टी टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एट जब इसे जाएगा तो प्लस एट होगा माइनस थर्टी सिक्स ऑलरेडी यहाँ पे है सो ये आपका रहेगा माइनस ट्वेंटी एट सो एक्स की वैल्यू आपके आ जाएगी माइनस ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई फोर्टी टू सो फोर्टीन टू हजार ट्वेंटी एट फोर्टीन थ्री हज़ार फोर्टी टू एक्स की वैल्यू आपके आएगी माइनस टू बाई थ्री ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा आंसर देखिए माइनस टू बाई थ्री स्क्वेयर माइनस टू इंटू माइनस टू बाई थ्री प्लस वन सो इसका जब स्क्वेयर ओपन करेंगे कितना होगा फोर बाई नाइन देन प्लस फोर बाई थ्री एंड प्लस वन इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा नाइन एल सी एम यहाँ पर आ जाएगा और फोर प्लस थ्री थ्री हजार नाइन एंड फोर थ्री हजार ट्वेल्व देन प्लस नाइन सो ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव सो ट्वेंटी फाइव बाई नाइन इज द करेक्ट आंसर मीन्स ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट नाउ कम टू फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन वट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटू ए प्लस बी स्क्र प्लस सी प्लस बी स्क्वेयर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्वायर माइनस सी इन टू ए प्लस बी स्क्वायेयर वेन ए इज इक्व टू वन बी जिक्वस टू माइनस थ्री एंड सी इज इक्वस टू माइनस टू स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना है क्या सिंप्लीफाई करके ईजी होगा क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से सो so, इस केस में अगर वैल्यूज डायरेक्ट पुट करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सोल्व करेंगे पहले इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करने मीन मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है आप डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और हम ये आउट करेंगे देखिए ए के वैल्यू यहाँ पे वन पुट कर दीजिए ठीक so, uh, है सो वन इन टू यहाँ पे वन देन बी है माइनस थ्री सो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस नाइन और प्लस सी तो सी है स्टूडेंट्स माइनस टू देन प्लस बी स्क्र सो थ्री स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर होगा प्लस नाइन इन टू ए स्क्वायर मीन्स वन स्क्वायर देन प्लस बी स्क्वायर सो बी है माइनस थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो प्लस नाइन दैन प्लस सी स्क्वायर सो so, c माइनस टू बट स्क्र करेंगे तो प्लस फोर ओके देन माइनस c, c है ऑलरेडी माइनस टू सो एज इट इज़ लिखेंगे माइनस टू इंटू ए ए इज़ वन देन प्लस बी स्क्र बी स्क्र मीन्स नाइन इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा नाइन प्लस वन टेन टेन माइनस टू एट प्लस नाइन इंटू नाइन प्लस वन टेन टेन प्लस फोर फोर्टीन और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस टू इं टेन सो ये आ जाएगा ट्वेंटी ठीक है स्टूडेंट्स सो so, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा एट एंड फोर्टी नाइन सार वन ट्वेंटी सिक्स तेन प्लस ट्वेंटी वन ट्वेंटी सिक्स प्लस ट्वेंटी वन फोर्टी सिक्स वन फोर्टी सिक्स प्लस एट वन फिफ्टी फोर वन फिफ्टी फोर इज करेक्ट ऑप्शन टू फोर्टी सिक्स देखिए एक्सप्रेशन सो ये एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स यहाँ भी हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता देखते हैं जब x माइनस वाई को जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x इंटू एक्स स्क्र एक्स क्यूब देन प्लस एक्स इंटू एक्स वाई सो एक्स स्क्र वाई देन प्लस एक्स इंटू वाई स्क्र एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई एक्स स्क्वायेयर ठीक है वाई को एक्स स्क्र से करेंगे देन y माइनस वाई को और प्लस एक्स वाई से करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर देन माइनस वाई क्यूब ये हुआ स्टूडेंट्स इनका मल्टीप्लीकेशन तो so नेक्स्ट जो टर्म है इनको मल्टीप्लाई करके देखते क्या आएगा प्लस एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब देन माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एंड प्लस एक्स वाई स्क्वेयर देन प्लस एक्स स्क्वेयर वाई एंड माइनस स्टूडेंट्स जब प्लस वाई को माइनस एक्स वाई से करेंगे कितना आएगा माइनस एक्स वाई स्क्वेयर एंड देन वाई को वाई स्क्वेयर से करेंगे कितना आएगा प्लस वाई स्क्वेयर देन लास्ट में स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे लास्ट में ये माइनस इंटू सो सो माइनस हम यहाँ रखेंगे और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वेयर देन प्लस वाई एक्स स्क्र एंड माइनस वाई क्यूब और ये स्टूडेंट्स ब्रैकेट क्लोज अब हम यहाँ पे लाइक like टर्म्स हैं और जो अपोजिट साइन है वो हम कर देंगे कैंसिल पहले ये ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो स्टूडेंट्स जो प्लस वाले नेगेटिव हो जाएंगे और जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा ये पॉजिटिव होगा और यहाँ पर जो ये है ये हो जाएगा आपका माइनस ये होगा प्लस सबसे पहले जो आपकी टर्म कैंसिल होगी वो होगी एक्स स्क्र वाई एक्स स्क्र वाई देन एक्स स्क्वेयर वाई एंड एक्स स्क्र वाई ये रहा एंड उसके बाद में आपका यहाँ पे एक्स वाई स्क्वेयर एंड एक्स वाई वाई क्यूब से वाई क्यूब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट होगा एक्स वाई स्क्वेयर से एक्स वाई स्क्वेयर कैंसिल आउट होगा अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सिस्टम्स हमारी बची हैं स्टूडेंट्स एक्स क्यूब ये है एक्स क्यूब देन इसके बाद आपका ये है एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे से हम लिखेंगे तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ पर क्योंकि हमें स्टूडेंट्स कुछ कॉमन लिख लिखना है तो कॉमन क्या लेंगे यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आएगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई जब कॉमन आएगा तो यहां देखिए क्या बचेगा आपका वाई और यहां आपका बचेगा एक्स सो so, ये रहेगा आपका इसका आंसर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स सो ऑप्शन सी इज करेक्ट थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ओके नाउ कम टू फोर्टी सेवेंथ क्वेश्चन वट इज द मीन ऑफ द मीडियन मोड एंड रेंज ऑफ द डेटा गिवन बिलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझने क्या कहा हुआ है कि हमें मीन फाइंड आउट करना है इस डेटा का मीन नहीं फाइंड आउट करना हमें मीन फाइंड आउट करना है मीन ऑफ द मीडियन मोड एंड रेंज ऑफ दिस डेटा तो इसका हमें ये जो डेटा गिवन वन इसका मीडियन मोड और रेंज फाइंड आउट करना है और फिर उन तीनों का मीन हमें फाइंड आउट करना है ठीक है दिस इज आवर क्वेश्चन सो अब देखिए मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दिस नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर मीनस सबसे पहले छोटा नंबर जीरो ओके okay, अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो टोटल है ये डेटा है हमारे सेवनटीन है सेवनटीन टर्म्स है 17 टर्म्स का जो मीडियन होगा कैसे फाइंड आउट करते हैं एन प्लस वन एन यहाँ पर सेवनटीन तो 17 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू सो एटीन बाई टू नाइन्थ टर्म सो वहाँ पर आपको ये नहीं करना है वहाँ पर माइंड में कैलकुलेट करना है सेवनटीन प्लस वन एटीन एटीन बाई टू नाइन्थ सो नाइन्थ टर्म यहाँ पर देख लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर होगा इसका मीडियन ठीक है मोड अब मोड क्या होता है स्टूडेंट्स मोड होता है जो इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट रिकरिंग नंबर रहेगा मोस्ट रिकरिंग नंबर यहाँ पे है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इज रिपीटेड थ्री टाइम्स सो ट्वेंटी फाइव इज मोड एंड रेंज रेंज क्या होता है स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट डेटा सो हाईएस्ट यहाँ पर आपका है फिफ्टी और लोएस्ट जीरो सो फिफ्टी माइनस जीरो फिफ्टी फिफ्टी इज रेंज अब देखिए मीन हमें इसका आउट करना इन तीनों का इन तीनों का कैसे आउट करेंगे ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टी डिवाइडेड बाई थ्री इनको ऐड कर लीजिए फिफ्टी प्लस ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव कितना होता है वन हंड्रेड और उससे एक कम है मीन्स नाइन्टी नाइन डिवाइडेड बाई थ्री कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर आएगा थर्टी थ्री सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट थर्टी थ्री आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू हमारे जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो होते कंप्लीट आते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स ये भी देख लेते हैं वो होगा स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूवन बाय लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन एग्ज्योम ठीक है सो so, इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए स्टूडेंट्स जब ये आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो आपकी जो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है कि आप एलिमिनेट द ऑप्शन ठीक है जब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते आएंगे तो आपके जो गलती होने के चांसेज है बहुत कम रहेंगे सो so फोर्टी का रहेगा फर्स्ट uh, जो ऑप्शन करेक्ट फोर्टी नाइन थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनादर दिस एग्ज्यूम विच इज बेसिस टू एथमेटिक एंड एलजेबरा इज गिवन बाई यूक्लिड स्टूडेंट्स देर आर सम इक्विट्स एगजूम्स एंड पोस्टुलेट एंड दिस इज वन ऑफ दोज एग्ज्यूम्स और इन्हीं में से स्टूडेंट्स एक यूक्लिट्स का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो भी काफ़ी फेमस है तो वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ सपोज देर आर टू लाइन्स एंड दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाई अ ट्रांसवर्सल सो ये ट्रांसवर्सल स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटरनल एंगल बना रहा है ये दोनों और ये दोनों सो दिस साइड में इन इंटरनल एंगल्स का सम 180 से कम होगा ये लाइन्स उसी साइड में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी दिस इज़ द यूक्ट्स फिफ्थ पोस्टुलेट ठीक है ये भी आपको वहाँ पे पूछा जा सकता है

तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो बच्चे क्या करेंगे कि दूसरे जगह से मीन दूसरे सोर्सेज से या दूसरे सब्जेक्ट्स का यूज करके वो गैदर करेंगे सो so प्रोजेक्ट में उसका यूज हो सकता है ठीक है या फिर फील्ड ट्रिप आप उनको अगर बाहर कोई ट्रिप पे लेके जाएंगे तो वहाँ भी स्टूडेंट्स वो दूसरे सब्जेक्ट्स को उसको रिलेट कर पाएंगे और जो बाकी जो ऑप्शन है एनेक्ट्रोटल रिकॉर्ड्स तो मीन्स ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं बेस पे रहेंगे एनेक्ट्रोटल रिकॉर्ड्स और ओलंपियाट ठीक है सो so, इसमें जो रहेगा स्टूडेंट्स मेन uh, जो आपके अप्रोच वो रहेंगे प्रोजेक्ट्स देके आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं या फिर फील्ड ट्रिप्स करके उसको इंक्रीज कर सकते हैं सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ए एंड बी 51 क्वेश्चन विच मेथड कैन बी यूज टू प्रूव द सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन सो स्टूडेंट्स अगर आपको प्रूव करना है कि सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज इवन तो उसके लिए आप क्या करेंगे आप डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं मतलब तो डायरेक्ट नंबर्स को अगर हम एग्जाम्पल लेकर अगर प्रूफ करना चाहिए तो आप डायरेक्ट प्रूफ से कर सकते हैं उसको ईजिली सो so, इसका जो ऑप्शन रहेगा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है बाकी ऑप्शन भी पढ़ेंगे मैंने आपको बार बार बताया कि बाकी ऑप्शन भी अगर पढ़ पढ़कर देखेंगे जो आपको सबसे अप्रोप्रिएट लगे उस पर आप क्लिक करेंगे ठीक है तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट फिफ्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर प्रोमोटेड बाई मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी स्टेज पूछा हुआ है कि मैथमेटिक्स से अपर प्राइमरी स्टेज पे कौन कौन सी स्किल्स को प्रमोट किया जाता है तो स्टूडेंट्स मेमोराइजेशन जो इसमें एक ऑप्शन है सी ऑप्शन मेमोराइजेशन मतलब रटना या फिर कंठस्थ करना ये चीज़ आपको मैथमेटिक्स में कभी भी नहीं कहा जाएगा कि आप इस चीज़ को याद करो सो so, ये चाहे आपकी अपर प्राइमरी स्टेज हो या फिर प्राइमरी स्टेज हो या फिर हायर सेकेंडरी स्टेज हो सो so, ये ऑप्शन जिसमें होगा वो तो आपका होगा ही नहीं तो so, स्टूडेंट्स देखेंगे अगर आप तो सेकेंड थर्ड फोर्थ में सी ऑप्शन गिवन है इसका मतलब ये तीनों नहीं होंगे ठीक है सो ऑप्शन जो ए रहेगा इसमें दिया हुआ है विजुअलाइजेशन ट्रांसपोजिशन सीमेशन सो ये सारे वो स्किल हैं जो हमें डेवलप करनी होती है एट अपर प्राइमरी स्टेज सो इसका ऑप्शन आपका रहेगा वन ऑप्शन ए बी डी ई इज करेक्ट फिफ्टी थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज लीस्ट लाइकली टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट यू वेल वेट सेवेंटी टू इंटू सेवनटी थ्री इन थ्री डिफरेंट वेज एंड कंपेयर द रिजल्ट ठीक है सेकेंड सेकंड ऑप्शन देखिए फॉर्मुलेट एनी टू सिचुएशन टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन सेवन एक्स प्लस टू ट्वेंटी फोर स्टूडेंट कैलकुलेटेड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस दिस एंड हाइट दिस एज दिस वे डिड शी गो रोंग कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस दिस एंड हाइट दिस तो स्टूडेंट्स इनमें अगर आप देखेंगे तो सबसे कम यूज होगी इसमें इसमें आपको क्या करना है कि बस फॉर्मूला पुट करना और आपको आंसर फाइंड आउट कर लेना तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग कम डेवलप होगी एज कम्पेयर टू अदर थ्री एग्जाम्पल्स बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें जैसे अगर देखेंगे हम थर्ड में तो इसमें पहले तो देखेंगे कि वो वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अब उसको अगर पता होगा कि कहाँ पे गलती करी होगी मतलब उसका अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो उसको एनालाइज करेगा देन सिंथेसाइज करेगा और उसके बाद इवेल्यूट करेगा कि कहाँ गलती हुई है कहाँ से वो उस क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया है ठीक है सो इसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी सेकेंड में भी आपका सेम रहेगी और फर्स्ट में भी सेम रहेगा सो so, सबसे जो कम डेवलप हुई है वो आपका फोर्थ ऑप्शन ऑप्शन फोर इज़ करेक्ट ठीक है देन कम टू फिफ्टी फोर्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइंस विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग मैथमेटिक्स फॉर ऑल एज पर एनसीएफ टू थाउजेंड फाइव सो इसमें जब आप ऑप्शन रीड करेंगे तो आपका जो ऑप्शन थर्ड रहेगा ये रहेगा बिल्कुल करेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिशियंस फ्रॉम डिफरेंट रीजन एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स शुड बी हाईलाइटेड क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम सो इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम का मतलब है कि बच्चों को क्रिएटिव बनाना और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना सो so, वो कैसे होगी मल्टीपल वेज ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम आर एनक्रेज अगर ये हम करते हैं तो, तो उससे एक इफेटिव जो मैथमेटिक्स क्लासरूम है वो क्रिएट होता था नाउ फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस इन द कॉन्टेस्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम सो so, इन सारे प्रैक्टिस में कौन सी सबसे ज्यादा डिजायरेबल है इन द कॉन्टेस्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम सो वॉल्यूम के लिए स्टूडेंट्स ये एकदम बेसिक रहेगा और इनमें से अगर आप देखेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा ये इनकरेज स्टूडेंट्स टू फिगर आउट द वेज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मतलब उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सो दैट दे कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड दैम ठीक है उनके अगर आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर अपने रियल लाइफ में भी अपनी एजुकेशन में मैथमेटिक्स का यूज कर सकें जैसे मान लीजिए अगर किसी के घर में वाटर टैंक बनाना है तो वो उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकें अगर वॉल्यूम दी हुई है तो किस मेजरमेंट को उनको बनाना चाहिए वो 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 फाइंड आउट कर सकें ठीक है दे कैन अप्लाई दे नॉलेज इन रियल लाइफ ऑल्सो ठीक है सो वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट जब हम उसको कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे सो दैट विल बी द डिजायरेबल प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ओके सो कम टू फिफ्टी सेवन क्वेश्चन फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू प्याजे वेव ऑफ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है कि पहले आप ऑप्शन पढ़िए ठीक है अगर आपको नहीं भी कोई आइडिया है तो भी आप ऑप्शन को रीड करके भी इसका आंसर कर सकते हैं देखिए फर्स्ट प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइडियाज फॉलोज ए डेफिनेट ऑर्डर प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइडियाज फॉलोज ए हिस्टोरिकल रादर दैनोलॉजिकल ऑर्डर नो जियोमेट्रिकल जो आइडियाज हैं वो वो लॉजिकल ऑर्डर की जगह पे हिस्टोरिकल ऑर्डर वहाँ पे फॉलो करता तो ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग होगा ठीक है तो इसका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा नॉट ट्रू कहा हुआ है ना सेकंड इज नॉट ट्रू कम टू अवर फिफ्टी एट्थ क्वेश्चन अगेन हमारे यहाँ पे लास्ट पे थ्री uh, क्वेश्चन इनको सोल्व कर लेते हैं देखिए इफ माइनस ट्वेल्व इन टू माइनस थ्री बोर्ड मास बेस्ड क्वेश्चन है ये और आपका यहाँ पे जो एक्स है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ठीक है सो so, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस है तो प्लस के जो इस साइड में जो नंबर है ये हम पहले सोल्व कर सकते हैं मीन्स मल्टीप्लीकेशन वाला सो माइनस ट्वेल्व और माइनस थ्री को जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा थर्टी सिक्स प्लस अब यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं ट्वेंटी बाय माइनस फोर जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस फाइव देन माइनस माइनस ट्वेंटी फोर बाई एट सो ये आपका आएगा माइनस और माइनस थ्री ओके ब्रैकेट क्लोज देन माइनस स्टूडेंट सिक्सटीन बाई माइनस टू तो कितना होगा ये ब्रैकेट माइनस एट इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई सेवन सो माइनस फोर प्लस एक्स इसको सोल्व कर लेंगे कितना आएगा थर्टी सिक्स सो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस फाइव प्लस थ्री माइनस फाइव प्लस थ्री होगा मीन्स माइनस टू सो बार प्लस है तो अंदर कितना आएगा माइनस टू इज देन यहाँ माइनस माइनस होगा प्लस एट इज इक्वल्स टू माइनस फोर प्लस एक्स सो एक्स हमें फाइंड आउट करना माइनस फोर को इस साइड में ले आएंगे तो माइनस फोर इस साइड आएगा तो प्लस फोर होगा और लेफ्ट में क्या बचेगा हमारा थर्टी सिक्स माइनस टू थर्टी फोर थर्टी फोर प्लस एट फोर्टी टू फोर्टी टू प्लस फोर फोर्टी सिक्स सो एक्स की वैल्यू कितनी होगी फोर्टी सिक्स इज करेक्ट थर्ड ऑप्शन ओके स्टूडेंट्स ये सिंपल था मास बेस्ड है बोर्ड मास में आपको गलती नहीं करनी देखिए बोर्ड मास क्या होता है आपको सभी को पता होगा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे देन ऑफ एंड देन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्टशन हमारा यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया सबसे पहले हमने यहाँ पे ब्रैकेट सोल्व किया मीन्स ये जो ब्रैकेट है इनको सोल किया इसके बाद में डिवीजन वाला सोल किया ज़्यादातर बच्चों से गलती कहाँ होती है कि पहले हम इस डिवीज़न को सोल ना करके ये माइनस को सोल कर लेते हैं माइनस प्लस को वही गलती होती है ज़्यादातर स्टूडेंट्स से तो वो गलती आपको अवॉइड करने नाउ कम टू फिफ्टी नाइन्थ क्वेश्चन इफ़ एन एट डिजिट नंबर थ्री जीरो एक्स जीरो एट सिक्स सेवन वाई इज डिविजल बाई एटी एट देन वट इज़ द वैल्यू ऑफ थ्री एक्स प्लस वाई तो क्वेश्चन ये भी इजी है स्टूडेंट्स क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता देता हूँ देखिए ये एक नंबर है और ये ए एट से डिविजिबल है तो हमें बताना है कि थ्री एक्स प्लस वाई मीन्स ये एक्स और ये जो वाई है इसकी जगह पे क्या डिजिट्स आएंगे वो हमें फाइंड आउट करना है ठीक है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स ये नंबर क्योंकि ए एट से डिविजिबल है इट मीन्स कि ये नंबर इसके जो फैक्टर्स रहेंगे ए एट के उससे भी डिविजल होगा मीन्स एट इंटू इलेवन सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई एट एंड इलेवन बोथ द नंबर्स सो so, अगर स्टूडेंट्स कोई भी नंबर एट से डिविजिबल होता है तो उसके जो लास्ट थ्री डिजिट्स हैं वो एट से डिविजिबल होंगे ठीक है सो सिक्स सेवन वाई इज़ डिविजिबल बाई एट अब ये कब डिविजिबल होगा देख लेते हैं एट एट ज़ार सिक्सटी फोर ठीक है रिमाइंडर कितना होगा थ्री अब देखिए वाई की जगह पे क्या नंबर हो कि ये एट से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए देखिए एट फोर हज़ार थर्टी टू एट फाइव हज़ार फोर्टी होगा एंड एट थ्री हज़ार ट्वेंटी फोर होता है मीन्स एट फोर हज़ार थर्टी टू यहाँ पर होना ही पड़ेगा सो so, ये आपका टू होगा वाई की जगह पे सो so, वाई की वैल्यू हमें मिल गई टू ठीक है सो अगर वाई की वैल्यू हमें मिली तो कितना आएगा थ्री जीरो एक्स जीरो एट सिक्स सेवन टू ठीक है स्टूडेंट्स अब ये नंबर इलेवन से भी डिविजिबल है अब अगर इलेवन से डिविजिबल कोई भी नंबर होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट्स इलेवन का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो ओड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम और जो इवन प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनका सम इनका डिफरेंस अगर हम करेंगे उनके सम का डिफरेंस तो वो तो जीरो आएगा या फिर इलेवन से डिविजिबल अगर होगा तो ही वो नंबर डिविजिबल होगा इलेवन से तो पहले हम इनका सम कर लेते हैं सो so, जो ओल्ड प्लेस पे जो नंबर है उनका सम देख लेते थ्री प्लस एक्स देन प्लस एट प्लस सेवन तो इनका जब सम करेंगे तो आएगा एटीन प्लस एक्स देन जो इवन प्लेसिस पे जो नंबर है उनको देख लेते हैं जीरो प्लस जीरो सिक्स प्लस टू मीन्स एट ठीक है सो इनका जब डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा देखिए एटीन प्लस एक्स माइनस एट मीन्स टेन प्लस एक्स अब टेन में हम एक्स की जगह पर देखिए एक्स यहाँ पर एक सिंगल डिजिट है एक्स की जगह आप ये नहीं कि डबल डिजिट का नंबर रख देंगे सो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे वो इलेवन से डिजिबल हो या फिर जीरो आए so, 0 तो जीरो तो आएगा नहीं है सो इलेवन से डिजिबल होने वाला मतलब नंबर यहाँ पर क्या होगा इलेवन ही होगा इलेवन वन सर इलेवन इलेवन टू सार ट्वेंटी टू करेंगे तो एक्स की जगह हमें यहाँ पर ट्वेल्व एड करना होगा बट एक्स इज ए सिंगल डिजिट नंबर सो एक्स की जगह हम यहाँ पर वन रख सकते हैं ठीक है थीके? सो टेन प्लस वन करेंगे तो इलेवन होगा एंड इलेवन इज डिज बाय इलेवन देयर फोर एक्स इज इक्व टू वन और अगर एक्स की वैल्यू वन हुई तो ये नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स थ्री जीरो वन जीरो एट सिक्स सेवन टू ये नंबर होगा स्टूडेंट्स आपका रिक्वायर्ड नंबर सो so, एक्स की वैल्यू आपकी आई वन और वाई की वैल्यू कितनी आई थी टू अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थ्री एक्स प्लस वाई सो थ्री एक्स मीन्स थ्री इंटू वन प्लस टू सो ये आपका आंसर आएगा फाइव इज करेक्ट ऑप्शन सेकंड स्टूडेंट्स जैसा मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी क्वेश्चन को करते हैं तो उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे आप इसको एक बार एट और इलेवन से डिवाइड करके कर देख लेंगे कंप्लीट डूजिबल है या नहीं ठीक है सो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व फिफ्टी नाइन्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर सिक्सटी क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है देखिए कैसे सोल्व करेंगे पहले आपके यहाँ पे मिक्स फैक्शन है तो पहले हम उनको इम्प्रोपर uh, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं देखिए सिक्स जार एटीन एटीन प्लस टू यहाँ पर इसको लिखेंगे तो कितना आएगा ट्वेंटी बाई थ्री मल्टीप्लीकेशन बाय स्टूडेंट्स इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा फाइव बाई टू बट डिवीजन है तो उसको आप जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा टू बाई फाइव रेसिप्रोकर लिख लेंगे ठीक है इन टू फोर थ्री ज़र ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन बाई फोर माइनस इलेवन बाई टू इन टू फोर फोर ज़ार सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन बाई फोर दैन प्लस फाइव बाई थ्री इंटू सेवन बाई एट प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे थ्री से थ्री कैंसिल आउट करेंगे एंड टू टू जार फोर प्लस वन बाई टू इसको हम सोल्व कर लेंगे फाइव वन जार फाइव फाइव थ्री जार फिफ्टीन ये होगा कैंसिल आउट और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका आ जाएगा टेन सो टेन माइनस सेवनटीन इंटू इलेवन ये आपका होगा वन एटी सेवन बाई एट देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर को अगर 11 से डिवाइड आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे देखिए मान लीजिए कि आपको 91 को करना है 11 से मल्टीप्लाई तो आप क्या करेंगे कि 91 और एक डिजिट छोड़ के आप यहाँ पे 91 लिख देंगे और इसको आप ऐड कर लीजिए ठीक है सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा नाइन्टी को इलेवन से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा ठीक है ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक तो ऐसे हमने यहाँ पर कर लिया वन एटी सेवन बाई प्लस फाइव बाई जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा एट और यहाँ पे जब एल सी लेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स इलेवन बाई एट ठीक है तो इसको जब आप इलेवन बाई एट लिखेंगे यहाँ पे इलेवन बाई एट तो इसको सोल्व करके लिख सकते हैं फिफ्टी फाइव बाई ट्वेंटी फोर फिफ्टी फाइव बाई ट्वेंटी फोर और यहाँ पे जब एल सी लेंगे इसका तो कितना आएगा ट्वेंटी फोर एल सी रहेगा देन टू फोर्टी माइनस एट थीजर ट्वेंटी फोर एंड वन एटी सेवन इंटू थ्री तो ये आपका आ जाएगा 561 एंड प्लस 55, सो so, प्लस वाली जो नंबर उनको ऐड करके लिखिए ये आएगा आपका 295 नाइन्टी फाइव माइनस फाइव डिवाइडेड बाय 24, स्टूडेंट्स अगेन हमें यहाँ पे 561 में से 295 माइनस करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 300 माइनस कर लीजिए तो कितना होगा 261, बट हमें यहाँ पे 5 कम माइनस करना था तो वो आ जाएगा 266 डिवाइडेड बाय 24 और ये नंबर आपका रहेगा माइनस का ठीक है माइनस टू सिक्सटी सिक्स अब क्योंकि स्टूडेंट्स ये दोनों नंबर आपके ईवे नंबर है सो टू से डिविजिबल होंगे सो so, जब टू से डिवाइड करेंगे तो ये ट्वेल्व होगा और यहाँ पर माइनस वन थ्री थ्री अब माइनस वन थ्री थ्री इज नॉट डिविजिबल बाई ट्वेल्व सो यही इसका आंसर हो जाएगा बट आपका आंसर यहाँ पर मिक्स फैक्शन में गिवन है सो so इसको जो आप मिक्स फैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा माइनस वन थ्री थ्री डिवाइड बाई डिवाइडेड बाय ट्वेल्व सो ये आपका आएगा माइनस ट्वेल्व वंस आर ट्वेल्व एंड अगेन ट्वेल्व वंस आर ट्वेल्व रिमाइंडर आपका वन रहेगा देन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ठीक है फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा जो मैथ्स पोर्सन है वो होता है कंप्लीट इसके बाद आपका साइंस पार्ट स्टार्ट हो जाता है एंड स्टूडेंट्स ये था आपका जो सी टेड का 2019 में दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था सी टेड का उसका मैथ्स पार्ट ठीक है तो आपको ऐसे सोल्व करना है स्टूडेंट्स और मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप थर्टी आउट ऑफ थर्टी मैथ्स पार्ट में ला सकते हैं तो ये हुआ स्टूडेंट्स हमारा दिसंबर 2019 का पार्ट अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें हम उससे पहले वाले जो पेपर है उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा मैथ्स पार्ट का सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स थैंक यू सो मच